वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग। आज की हमारी वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM is the concept that money available at the present time is worth more than identical sum in the future due to its potential earning capacity. The core principle of finance holds that the provided money can earn interest. Any amount of money is worth more than sooner it is received. Time value of money का क्या मतलब है? Time value of money का मतलब ये है कि आपके पास अभी जितने पैसे हैं, अगर आप आज बैंक अकाउंट में 1000 रुपये जमा करवाते हैं, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते और कोई भी डिपॉजिट, मतलब कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाते, तो आपके अकाउंट में 1000 रुपये ही होंगे, ना इससे ज़्यादा होंगे, इससे कम भी नहीं होंगे, ऐसा ही है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ये टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये कहता है कि नहीं, अगर आपके पास आज 1000 रुपये हैं, वो आने वाले कमिंग ईयर में, फ्यूचर जिसके आप कहते हैं, उसमें ये 1000 रुपये आपके उस 1000 के इक्वल नहीं होंगे। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही बताता है कि आज हमारे पास 1000 रुपये हैं, तो आने वाले फ्यूचर में कितने रुपए इस 1000 के बराबर होंगे। ये 1000 आने वाले साल का, जैसे 2010 का, या नहीं 2019 का अगर आप 1000 रुपीज लेते हैं, एंड 2020 का भी आप 1000 रुपीज लेते हैं, तो आप खुद इमेजिन करें कि 1000 रुपये में 2019 में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, बट 2020 में महंगाई हो गई, तो वो 1000 रुपये में कम चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो 2020 के जो 1000 रुपीज़ थे, वो आज के 1000 से इक्वल नहीं है, और ना आज के 2020 के उसके इक्वल हैं 1000 के। तो डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई होगी। अगला देख लेते हैं इसके फार्मूला के वेरिएबल क्या हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो इसमें हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है, अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो वेरिएबल्स हैं, इसमें क्या क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है, इंटरेस्ट रेट होता है, और नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। जैसे आप अगर फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कितने सालों की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं? अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्यूचर अमाउंट आपको गिवन है, तो उसमें से कितने प्रेजेंट, कितने साल वो फ्यूचर वैल्यू है, तो वो नंबर ऑफ ईयर हो गए। इंटरेस्ट आपका जो जिस परसेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा या आपको पे करना पड़ेगा बकाया, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू क्या है। फ्यूचर वैल्यू कहती है द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ present amount of money or a series of payment evaluated at a given interest rate. Future value क्या है? जो आपको future value मिलेगी, या तो मतलब आप यूं कह लें कि आज किसी investment करते हैं किसी भी project में, तो उससे coming जो भी आपको amount मिलेगी, that is called a future value. वो आपकी future value होगी, क्योंकि आने वाले दिनों की होगी, तो it's a future value. Definition भी यही कह रही है कि the value at some future time of a present amount of money. आज जो पैसे लगा रहे हैं उसमें फ्यूचर टाइम पे जो वैल्यू होगी, जो पैसे होंगे, और वो इवेल्यूएट की जाएगी जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? द करेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और अ सीरीज ऑफ पेमेंट इवेल्यूएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट। प्रेजेंट वैल्यू यही होती है कि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको मिलेगा, उस फ्यूचर की आज कितनी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। एंड ये भी जो इवेल्यूएट होगा वो इंटरेस्ट रेट से होगा। द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट की करंट वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट हमारे पास है। अच्छा, इसमें मैंने आपको वेरिएबल्स बताए हैं, जैसे फ्यूचर वैल्यू होगा, प्रेजेंट वैल्यू होगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंपटीशन के थ्रू भी एक क्वेश्चन ले लेंगे हम, तो उस पर डिफाइन करेंगे। तो अभी हमारे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होता है? मनी पेड और अर्न फ्रॉम द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? आप किसी को पैसे देते हैं या किसी से कमाते हैं, तो वो आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, मनी के ऊपर। अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो आपको पैसा मिलता है, वो आपका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट की 2 टाइप्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं क्या है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट पर देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड और अर्न ऑन ओनली द ओरिजिनल अमाउंट और प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट आप कब अर्न करते हैं? जब आपको इंटरेस्ट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है। जैसे आपने 1,00,000 रुपए लगाया तो उस पर अगर आपका 10% आपको मिल रहा है तो 10,000 जो आपका होगा वो आपका इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू होगा। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पेड और अर्न ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली आप जिस ईयर का इंटरेस्ट, जैसे ईयर 2 का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो जो ईयर उसकी कंपटीशन कैसे होगी ईयर 2 के इंटरेस्ट की, उसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रीवियस जो आपका ईयर 1 का इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड करके उस पर जो रेट आपका स्पेसिफाइड होगा उस रेट को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आफ्टर ऑल थैंक यू, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।